वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओ हो 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 हो, जेठा अंकल मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे गोया तुम क्या, हम सब एक्साइटेड है भाई। I can't believe my eyes. This is so amazing. What an absolute man-made miracle. इतनी मोटी, खूबसूरत और भव्य प्रतिमा छे। हाँ तोड़िए। शब्द एकदम अपूरे वर्णन के लिए नहीं कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अब सदैव हमारे स्मृति में जीवित रहेंगे। हमारे अपने लोखंडी पुरुष अड़ीखम सरदार वल्लभ भाई पटेल को नतमस्तक नमन। सरदार पटेल को सरदार रोशन सिंह सोढ़िया पूरे गोकुलधाम की तरफ से सैल्यूट। यस यस। भारत माता की जय। वंदे बबीता, I can't tell you, आज मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है। This is an engineering marvel. ये इंडिया के इंजीनियरों का वर्ल्ड के इंजीनियरों को एक मैसेज है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी दुनिया का बेस्ट चीज बना सकते हैं। Absolutely, हाँ। मतलब कितनी प्लानिंग और कितनी मेहनत लगी हुई है इसको बनाने के लिए। क्या बात है, अद्भुत। इसे बनाने में 1850 टन जो है रीइंफोर्स स्टील लगा, 1700 टन ब्रॉन्ज, और ये बाजू क्लैडिंग है ना, ये भी ब्रॉन्ज की, 1850 टन, और 180,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट। क्या बात है, क्या बात। 6,500 प्लेट्स बनाई ये विभिन्न धातुओं के, फिर बनाया, और बनाने में मतलब अद्भुत बात है ये तो। इसकी घोषणा से लेके बनने तक सिर्फ 46 महीने, बोलो 46 मंथ्स में बन गया पूरा ये भव्य। भारतीय इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग को सलाम है भाई, सैल्यूट। ये सारी बातें मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में जरूर लिखूंगा, और एक पत्रकार होने के नाते देश विदेश में प्रचार करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा हमारे देश का गौरव है। वाह वाह, ये जगह ना मन को प्रसन्न कर देने वाली है। और यहाँ पर सब कुछ कितना नीट और क्लीन है ना। हाँ सोनू बेटा, हमारे देश में जितनी भी घूमने फिरने की जगह है वो ऐसी अगर नीट और क्लीन हो जाए ना तो देश की टूरिज्म की आमदनी डबल हो जाएगी। सही बात है। वो देखो, वो देखो। वाओ पिताजी, वो जो जैकेट का दूसरा बटन है उधर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, झाली झाली जैसा। हाँ वहाँ पे। वो पता है क्या? क्या? बोइंग गैलरी। Wing gallery मतलब? ऐसा बोलते हैं इधर वो। बबीता, viewing gallery बोलना है। अच्छा, viewing gallery मतलब वो देखने की। हाँ हाँ, वहाँ से क्या नजारा दिखता है बबीता जी, जबरदस्त। और उसकी जगह देखो क्या पसंद की है, एकदम जैसे सरदार वल्लभ भाई के हृदय में। दिल का मतलब कहने की बात यह है कि आप अगर वहाँ खड़े रह के आप देखो तो ऐसा लगता है कि आप सरदार वल्लभ भाई के हृदय में खड़े होके आप ये नजारा देख रहे हैं। जबरदस्त बनाया है। वागन। इतनी हवा है यार, देखा बच्चा, देखा आया मजा, बहुत मजा आ रहा है, मजा आया ना बच्चा, क्या नजर है ले। अच्छा बच्चों, तुम लोगों को पता है कि इस वक्त हम लोग कहाँ खड़े हैं? इस वक्त हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय में खड़े हैं, दिल में खड़े हैं। ये गैलरी बनाई इस तरीके से है, कोई भी देशवासी जब यहाँ आकर खड़ा रहे तो उसे ऐसा लगे कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय में खड़ा है, दिल में खड़ा है। बिल्कुल बच्चों, जैसे भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय में हिंदुस्तान सदैव बसता था, वैसे हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में सरदार वल्लभ भाई पटेल बसते हैं। इस वक्त हम समुद्र तल से 193 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हुए। पटपुसेना,
आप अपने बाई ओर देखोगे तो वहां पे विंध्याचल की पर्वतमाला खत्म होती है और अगर दाई ओर देखोगे तो वहां पे सतपुड़ा की पर्वतमाला शुरू होती है और इन दोनों के बीचों बीच बना है ये सरदार सरोवर डैम। और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि ये स्टैचू ऐसे साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है कि 180 किलोमीटर पर आर की हवा की स्पीड के बावजूद ये स्टैचू को कुछ नहीं होता है। मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा जो है ये स्टैचू सहन कर सकता है। हा? और बच्चों ये नदी है ना नर्मदा नदी, बहुत पवित्र नदी है। कहते हैं इसके दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। चाचा जी भिड़े, देखो एक चीज देखिए आपने, ये जो विशाल प्रतिमा है इसकी जो प्रतिछाया ये धरती पे आप देख रहे हैं, ऐसा महसूस नहीं हो रहा भारत की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और वो जो ब्रिज है वो गोरा ब्रिज है ना। हाँ, और ये जो रास्ता है भारत के अनेक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। सुनारोशन पिछले तो साल में एक दो बार तो हम लोग इधर आ ही जाएंगे। मने तो ये जगह बहुत गमी है और यहाँ कितनी पॉजिटिविटी छे। ओए सुनिए, ओ तू मेरे साथ होती है ना तो वो जगह वैसे ही बहुत पॉजिटिव हो जाती है और मेरे को भी ये जगह बहुत गमी है यार। हम अगले साल आएंगे, उससे अगले साल आएंगे, बार बार आएंगे। तुम्हें पता है बच्चों, जब भारत को आजादी मिली तब पूरा भारत सिर्फ एक दो नहीं पूरे 565 अलग अलग छोटे छोटे राज्यों और सियासतों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन 565 सियासतों को एक करने का भगीरथ कार्य किया और एक महान देश अखंड भारत का निर्माण किया। और बाबूजी, ये प्रतिमा का नाम भी कितना प्रतीकात्मक दिया है, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले महापुरुष की प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब एकता की प्रतिमा। और ये भी कितनी अच्छी बात है ना, जहाँ सरदार सरोवर डैम है वहीं ये प्रतिमा बनाई गई है। अनेकता में ही एकता है। मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि इंसान पैसे बनाए या ना बनाए, लेकिन उसे अपना व्यक्तित्व जरूर बनाना चाहिए। इतिहास ने हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व को याद रखा है। और बापूजी, जितना विराट इनका व्यक्तित्व था उतनी ही विराट उनकी प्रतिमा बनाई गई है। अरे अरे जेठालाल जेठालाल, रुकिए रुकिए मेरे गोकुलधाम वालों, रुकिए, क्या मजा आया कि नहीं? आप लोगों ने देखी ना ये विराट प्रतिमा? अरे यस यस, एंड इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सही बात है, आज तक इस प्रतिमा जैसा हमने कुछ नहीं देखा। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा को अगर मैं दाएं बाएं आजू बाजू सुंदर अगर आपको दर्शन कराऊं, और ये पहाड़ों का सौंदर्य, बीच में बहती नदी, अरे एक छोटी सी सरप्राइज बाकी है मेरी ओर से मेरे गोकुलधाम वासियों को, एक भेंट। चलो चलो मेरे साथ चलो। हमारे गोकुलधाम वालों, हेलीपैड भी है और चक्राता हुआ हेलीकॉप्टर भी है। आशीष भाई, अभी थोड़ा सा नजदीक जाके हेलीकॉप्टर के साथ हम लोग सेल्फी ले सकते हैं क्या? आज दिखा रहे हैं, कभी देखा नहीं इसे नजदीक से थोड़ा सा। अरे भाई, हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी नहीं लेना है, सरप्राइज ये है कि आप लोगों को हेलीकॉप्टर की राइड करना है। सुनो सुनो, कुछ बोल रहे ऐसे था, कुछ बोल रहे, सुनो गांव वालों सुनो जरा। ये क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ कुछ देना पड़ेगा। गिफ्ट किसको कहते हैं? मतलब की तरफ से सबको गिफ्ट। क्या बात है, देखो पार्टी का एंजॉय। विनय सो, और सबसे पहले
जेठालाल को चांस देता हूँ। बापू जी तो भाई सबके वडील है, लेकिन पहले सुनो, पहले आप जाइए, क्योंकि आप सब लोगों को गोकुलधाम वालों को यहाँ लेके आए हैं और आपने वो हिम्मत की है, तो ममता जी आप आएंगे ना, और ये भाई साइंटिस्ट को लेके जाइए, और एक मेरे सेक्रेटरी भिड़े भाई, माधवी भाभी, आपकी प्यारी वाइफ माधवी भाभी, और पोपटलाल को जरा प्लीज साथ ले, अकेले बिचारे जरा, ना ना कोई कोई टेंशन, मेरा छाता भी, छाता नहीं लेके जा सकते, छाता नहीं अलाउड नहीं होता, छाता छोड़ी भाई को दे, ओके चलो पापड़लाल रुको। अरे देखो मेरा टर्न है, मेरे को जाने दो, मेरा टर्न है मेरे को जाने दो, बबीता ए वो देखो, देखो सरदार सरोवर डैम, वो देखो विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ओ हो, वैली ऑफ फ्लावर्स क्या दिख रहा, सरदार पटेल जी का स्टैचू क्या दिख रहा है, मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है, मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। भाषा मजहब अलग हो जाए, रहते हैं हम साथ हैं, हर मुश्किल में संग खड़े हैं, हाथों में ये हाथ है, मस्ती और हंगामे होना बात यहाँ पर आम है, सात अजूबे इस दुनिया के आठ मगो कुल धाम है, अय्यर भाई आप टेंशन मत लो, मैं आपका हेलीकॉप्टर खरीद के दूंगा, बस आप अकेले उड़ाना, हाँ छोटा सा दूंगा ना, आप अकेले उड़ाना, क्या मजाक कर रहा है, सॉरी, कोई सयाने कोई दीवाने, कोई यहाँ पर मस्ताने हैं, कोई हटेड़े कोई हमेड़े, कोई प्यार के परवाने हैं, कोई रंगीले कोई रसीले, कोई यहाँ पर बड़ बोले हैं, कोई गोल है कोई ढोल है, सभी यहाँ पर अलबेले हैं, हंसते और हंसाते रहना यही हमारा काम है, सात अजूबे इस दुनिया के आठ मगो कुल धाम है, सात अजूबे इस दुनिया के आठ मगो कुल धाम है, अभी इससे भी बड़ा सरप्राइज, चलो गोकुलधाम। लोग प्यार से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को मिनी हिंदुस्तान कहते हैं, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा और अलग अलग धर्मों के लोग परिवार की तरह प्यार से रहते हैं। जैसे एक माला में अलग अलग मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम आपके प्यार के धागों से मोती की तरह एक माला में पिरोई गई है। देखा जाए तो गोकुलधाम सोसाइटी हमारे देश की एकता और अखंडता का एक छोटा सा प्रतिबिंब है, और आज एकता की विराट प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके नीचे खड़े रहकर हमें गौरव हो रहा है और प्रेरणा मिल रही है। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम संकल्प लेते हैं कि हमारे देश की एकता का संदेश पूरे विश्व में फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
तो भाई जेठालाल का सरप्राइज बड़ा ही शानदार तरीके से संपन्न हो गया। क्या बढ़िया प्रवास था गोकुल धाम का। नहीं नहीं नहीं, प्रवास अभी पूरा हुआ नहीं, अभी हम गोकुल धाम पहुंचे नहीं। ओहो, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पंछी चहचाना छोड़ सकते हैं, सूरज पश्चिम से उग सकता है, नदियों का प्रवाह पलट सकता है, लेकिन गोकुल धाम निवासियों का प्रवास बिना किसी गड़बड़ के पूरा हो जाए ये संभव नहीं। और अभी तो हमारा लौटना बाकी है, प्रवास पूरा हुआ कहां है, तो मुझे पूरी आशंका है, पूरा अंदेशा है, मेरा मन कह रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाली है। क्या होगी ये गड़बड़, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चला चला उठा उठा, गोकुलधाम आ गया भाई, गोकुलधाम सोसाइटी आ गई। अरे भाई सब लोग जरा देख लेना, अपना अपना सामान जरा चेक करके ले लेना, अगर कुछ पीछे छूट गया तो फिर बस निकल जाएगी, बस के पीछे दौड़ना पड़ेगा। तुम जयनारायण, तुम अपना सामान चेक कर लेना, क्योंकि बुलने का बीमारी तुमको है। यार कमाल करते हो, इतना एंजॉय करके आए, इतना मजा करके आए, वो भी जेठालाल की वजह से, और तुम ताने मार रहे हो यार। ठीक है, अभी बाकी चर्चा भी कंपाउंड में। थैंक यू भाई, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये तुम्हारा बाकी का हिसाब था, गिन लेना। नहीं ठीक है, ठीक है, हाँ राजी रहना। हाँ अच्छा साहब, हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। जेठालाल मजा। जेठ भाई थैंक यू सो मच फॉर द फैंटास्टिक सरप्राइज। This experience was amazing. I mean, ये मेरी लाइफ की one of the best मकर संक्रांति थी। हाँ जेठा भाई, एकदम यादगार अनुभव था। जयदलाल, तुमने जो बोला वो करके दिखाया। सही बात है। करे करे, बोलना ना से मुझे क्या? जेठालाल, मैं आत्मानंद तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से, और खास करके हम दोनों की ओर से तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। अरे मैं आप सबको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आप सब आए, इसकी वजह से मेरी सरप्राइज सफल हुई। अरे ओ यारो, और दो दिन तो बहुत जम के मजा आया, बस एक बात का रंज रह गया। क्या? कौन सी बात? ओ पोपू ने अपने लिए जो लग्नोत्सुक पतंग उड़ाई थी ना, उसका कोई फोन ही नहीं आया, ना ही कोई पतंग लेके आया। हाँ इस बात का तो दुख है। पोपट भौजी, उसमें दुख की क्या बात है, किसी ना किसी लड़की के हाथ आपकी पतंग आ ही जाएगी। हो सकता है सात समंदर पार जाके पतंग गिरे। बी ऑप्टिमिस्टिक, आप आशा मत छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पोपटलाल, आशा अमर है, इसी आशा के साथ अपने अपने घर चल के सो जाते हैं। चलो चलो भाई, ओके ओके छोड़े। नजर नहीं आ रहा। अब मुझे लग रहा है वो थक गए होंगे ना, तो घर जाके सो गए होंगे। चलो भाई अब तुम भी जाके सो जाओ, बहुत बढ़िया हुआ, दो दिन की यात्रा बिना किसी गड़बड़ बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गई। बिल्कुल, मैंने कहा था ना इस बार प्लानिंग एकदम परफेक्ट है, हायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम हैप्पी की जरूरत नहीं पड़ी। अब चैन की नींद सो जाके। ओके ओके चलो। टप्पू बेटा, ओ बेटा चलो 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 घर पे सो जाओ। चलो अरे यहाँ तो ताला है, बापूजी कहाँ है? पता नहीं। अरे मेहता साहब, अरे सोडी भिड़े कोमटलाल, जाओ जेठालाल, जाओ जेठालाल, चिल्ला के रहो। जेठालाल क्यों, क्या बुला के रहे हो? बापूजी को देखा किसी ने? जेठालाल तुम तो कह रहे थे ना कि चाचा जी शायद ऊपर जाके सो गए होंगे, नहीं है वहाँ पे? नहीं, घर पे ताला है। तू कहाँ गए? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ रह गए बापूजी? अरे चाचा जी मंदिर गए होंगे भगवान के दर्शन करने के लिए।
अपना सफर निर्विघ्न हो गया ना तो भगवान को थैंक यू बोलने गए होंगे। मैं मंदिर में देख के आता हूँ। जा 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 जल्दी जा। दादाजी मंदिर में नहीं है। अरे तो कहाँ गए बाबूजी? एक मिनट, चाचा जी बस में कहाँ बैठे थे? बीच में जब मेरा हाथ खुला था ना तब मैंने देखा कि चाचा जी लास्ट वाला सीट पर सो रहे थे। मतलब चाचा जी रक्ती बस में रह गए? क्या जडलाल, तुम भी कैसा आदमी है? सबको बोला कि सब चेक कर लो, कुछ भूल मत जाना, और तुम चाचा जी को ही भूल गए। यार ये वक्त ताना देने का नहीं है। चेट अपना उस बस के ड्राइवर को फटाफट फोन लगाओ ना और बस को वापस बुलाओ। हाँ, हाँ, हाँ। अरे उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो सफर में फोन की बैटरी उतर गई होगी। रोशन बस अभी जास्ती दूर नहीं गई होगी, तो फटाफट अपनी गड्डी निकालो, चाचा जी को लेकर आओ। सुनिए वो हम लोग बाहर जा रहे थे इसलिए गड्डी तो मैंने अपने दोस्त को दे दी, तो गड्डी इतने आई नहीं। हम लोग रिक्शा में चले जाते हैं ना। अरे इतनी रात को रिक्शा कहाँ ढूंढेंगे? अरे बेटे तुम्हारा स्कूटर निकालो ना भाई, स्कूटर से जल्दी हम बस तक पहुँच जाएंगे। चलिए पापा। हाँ, तबू तुम रुको, मैं चाहता हूँ। मेहता साहब रुकिए, मैं क्या कहता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, रास्ते में कोई इमरजेंसी हुई तो मैं काम आ सकता हूँ, मेरे पास वो पत्रकार का कार्ड भी है, मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। भैया आप ये बैग मेरे घर पे रखिएगा, मैं बाद में ले लूंगा। अरे एक मिनट, वो हेलमेट हेलमेट निकालना पड़ेगा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो दो दिन सकरम बंद था ना तो इंजन ठंडा पड़ गया हो क्या? मैं किक मारता हूँ वहां पे। चल चल भिड़े, जरा जल्दी चला भाई। चल तो रहा हूँ जेठालाल। दस मिनट हो गए बस को निकले, अब तो पता नहीं बस कहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी। भिड़े जरा स्कूटर साइड में रोक। क्यों? ये इसको उतारना है। क्यों? मैंने क्या किया? अरे क्या किया क्या? नकारात्मक बात क्यों करते हो? अरे मैंने क्या नकारात्मक बात की? अरे अभी तुमने बोला ना कि बस को निकला, दस मिनट हो गए, अभी तक तो बस पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई होगी। तुम क्या चाहते हो, बापूजी मिले ही नहीं? अरे मैं क्यों चाहूंगा कि चाचा जी मिले ही नहीं? चाचा जी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो फिर नकारात्मक बात क्यों कर रहा है? अरे भाई मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविक बात कर रहा हूँ। बस को निकले बहुत थोड़ा टाइम हो गया ना, इसने बोल रहा हूँ। खैर भिड़े फास्ट चला ना, फास्ट चला। अरे फास्ट क्या, फास्ट 60 की स्पीड से चला रहा हूँ मैं पोपटलाल। अरे 60 की स्पीड से क्या होता है भाई, 80-100 की स्पीड से चला। नहीं नहीं नहीं, मुझे सर्विसिंग के वक्त मैकेनिक ने बोला है कि सकरम की आयु अगर लंबी चाहते हो तो कभी भी 60 के ऊपर मत चलाना, और अगर 60 के ऊपर मैंने सकरम को चलाया तो सकरम का हार्ट फेल हो सकता है, मेरा मतलब है इंजन फट सकता है। अरे भाई तेरा सखरम निर्जीव है, बापूजी सजीव है, तो बापूजी से ज्यादा है सखरम की चिंता कर रहा है। अरे चिंता इसीलिए कर रहा हूँ जेठालाल, क्योंकि ये निर्जीव सखरम अगर सही तरीके से निरोगी रहा ना तो ही हमें वो सजीव चाचा जी के पास पहुँचा सकता है। चला चला भाई, तू चला ना। अरे बस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, भिड़े जरा जल्दी चला यार। जेठालाल मैं कितना भी जल्दी चलाऊं बस को पकड़ना मुश्किल है भाई, क्योंकि बस के इंजन में और सखाराम के इंजन में फर्क है भाई। और दूसरा क्या है, बस का टायर और सखाराम का टायर का व्यास दोनों में बहुत अंतर होता है, कि बस के टायर का एक रोटेशन इज इक्वल टू सखाराम के टायर के 4 रोटेशन होते हैं। क्या किया? अरे तुमने कुछ नहीं किया, मुझे उतरना है। क्यों? वो नेचर्स कॉल। अरे भाई अभी जाना जरूरी है, थोड़ा कंट्रोल कर लो ना। अभी कंट्रोल नहीं कर सकता भाई, बहुत हो गया इसका नाटक। वो टायर का व्यास ने, त्रिवेदी ने, भट्ट ने क्या क्या समझा रहा है भाई। तू रोक भाई, स्कूटर साइड में रोक, मैं रिक्शा में आता हूँ, रोक। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिक्शा के टायर का व्यास और सकरम के टायर का व्यास सेम ही होता है भाई। लेकिन रिक्शा में एक टायर ज्यादा होता है ना, 3 टायर होते हैं,
तो पोपटलाल जहाँ पे बैठा है वहाँ पे क्या लगा हुआ है, लकड़ा? हाँ भाई जेठालाल, रिक्शा में जैसे तीन टायर होते हैं वैसे सखारों में भी तीन टायर ही है। हाँ, और दोनों का व्यास सेम होता है भाई। हाँ, रिक्शा में जाके कोई मतलब नहीं है, सखारों पे ही बैठे रहो। क्या मुसीबत है यार, फास्ट चला नहीं रहे। और चलाएगा चलाएगा भिड़ा, फास्ट चलाएगा भिड़ा, फास्ट चला, मतलब 60 की स्पीड से नीचे मत चला। अरे 60 की स्पीड से ही चला रहा हूँ कब से, लेकिन जेठालाल ये तो बोलो कि जाना कहाँ है? अरे बापू जी को ढूंढने और कहाँ? अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन वो बस का रूट क्या है, कौन से एरिया में है, कहाँ पे पार्क होती है, क्या जगह क्या है, वो तो मालूम होना चाहिए ना। तो अभी चला ना, मैं बताता हूँ बाद में भाई। तो अभी चला चला चला। अरे क्या हुआ, रोक क्यों दिया? वो देखो जेठालाल, बस कहाँ? अरे बस नहीं भाई, तीन रास्ते जा रहे हैं यहाँ से, कौन से रास्ते पे जाना ये पूछने के लिए रोका मैंने सकाराम। अरे वो भाई साहब बैठे ना, उनसे पूछते हैं, उनको पता होगा कि तीन रास्ते में से कौन से रास्ते से बस गई है। हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो। भाई साहब एक मिनट। हाँ बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? अच्छा खासा बैठा हुआ था और भाई साहब बोल के उठा लिया, कुछ नहीं तो बुलाया क्यों? सॉरी सॉरी गलती हो गई। सॉरी वाली गलती होती, कुछ नहीं, शांति से बैठा हुआ था तो भाई साहब बोल के बुलाया और अब बोलते हो कुछ नहीं, नहीं, नहीं बोलना ही पड़ेगा। ओ, ओ, आपने वो सफेद कलर की बड़ी बस को यहाँ से जाते हुए देखा? बड़ी मतलब कितने सीट वाली? 30-35 लोग बैठ सके उतनी बड़ी। 30 के 35? 30-30 लोग। 30 सीट की कोई बस होती ही नहीं है। 27 की होती, 35 की होती और 45 की होती है। अरे आपको कैसे पता? अरे मैं बस में सीट फिट करता हूँ, सीट फिटिंग का काम है मेरा। 35 वाली। क्या बोला आपने? 35 सीट वाली बस का क्या? 35 सीट वाली बस को आपने यहाँ से गुजरते हुए देखा है? गुजर तो माँ गई है। माँ। क्या बात कर रहे भाई साहब, तो बहुत 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 बुरा हुआ, आपकी माँ गुजर गई। क्या बात करते हैं? अरे मेरी माँ जिंदा है। लेकिन अभी आपने बोला ना कि आपकी माँ गुजर गई। अरे मैं बेटे की माँ गुजर गई है। तुम्हारी पत्नी गुजर गई? कब शादी हुई? अरे शादी तो बहुत हुई। बहुत मतलब कितनी? तीन है? तीन शादी हुई तुम्हारी? हाँ। तो तीनों वाइफ? हाँ तीनों तीनों। क्या करे, कोई दिखती ही नहीं है। नहीं, शादी के लिए वाइफ मिलती कहाँ से? क्या हुआ, रोक क्यों दिया? जेठालाल यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, एक सीधा जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, तो हमें कहाँ जाना है? बोलो, छापा आया तो लेफ्ट, काटा आया तो सीधा। ओ पोपटलाल, यहाँ क्या क्रिकेट में चुने वाले, क्या टॉस क्या उछाल रहे हो? बापूजी को ऐसे ढूंढेंगे सिक्का उछाल के? अरे भाई अभी भिड़े ने बोला कि दो रास्ते, कौन से रास्ते पे जाना है तो तुमने बताया नहीं। अरे बताने ही वाला था कि तुमने सिक्का निकाल लिया भाई। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? बोलो सीधा ले। देखो देखो वहां एक बस जा रही है।
भगा 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 जल्दी भगा। भगा भगा भीड़ भगा। भगा 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 जल्दी। हाँ ये कर लो भगा ही रहा हूँ। भगा भगा भगा। अरे क्या हुआ? अरे स्लो क्यों कर दिया स्कूटर? वो बस जा रही है आगे। अरे जाने दो बस को, जाने दो। अरे अरे वो बस पे बापू जी है मेरे। ये बस पे चाचा जी नहीं है भाई। तुझे कैसे पता? बस के नंबर प्लेट देखी थी तुमने? तुम्हें अपनी बस का नंबर मालूम है? नहीं मुझे मालूम है। MH04JK9487। पक्का? हाँ पक्का, मतलब मैंने फोटो निकाल के रखा है जेठालाल। क्या मेरी एक आदत है जेठालाल, मैं जब भी किसी वाहन से प्रवास करता हूँ ना, तो क्या उस वाहन की पूरी जानकारी अपने पास रखता हूँ, कि वाहन का नंबर कौन सा है, कि वो कौन सा मॉडल है, कौन सा रंग है, वगैरह वगैरह। अरे यार तो ये हमारी बस का ड्राइवर बापू जी को लेके कहाँ चला गया? अरे चिंता मत करो भाई जेठालाल, चाचा जी बच्चे थोड़ी है, वो भी सो गए हैं, उठेंगे तो जहाँ भी होंगे वहाँ से वापस आ जाएंगे। फिर भी चिंता तो होती है ना पोपटलाल, क्या कि मान लो बस को कोई और वर्दी मिली हो कि भाई पुणे से 25-30 लोगों को मुंबई लाना है और बस पुणे चली गई, तो तो चाचा जी को वापस आने में टाइम लगेगा। मिल जाएंगे मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, बस मिल जाएंगे। चलो चलो भाई चलो। अरे देखो वहां पे टैक्सी दिख रही है, वो उसके ड्राइवर से पूछते हैं, शायद उसको पता हो। हाँ 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 ठीक। भाई साहब आपने अभी यहाँ से वो सफेद कलर वाली 35 सीटर बड़ी बस को जाते हुए देखा? हाँ नंबर था MH04JK9487। नंबर तो नहीं देखा, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ से एक ऐसी बस गुजरी है। अच्छा कहीं ये वो बस की तो बात नहीं कर रहा जो हमने देखी थी, डुप्लीकेट बस? नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा था भाई, टैक्सी वाले को देखने के पहले वो बस तो लेफ्ट में मुड़ गई। पक्का? हाँ हाँ। तो ये अपनी वाली होगी। चाचा हाँ, तो किस तरफ गई वो? सीधा ही गई आगे? सीधा गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा जल्दी चला भिड़े, जल्दी चला भाई थोड़ा। अरे भिड़े यहाँ से, उसको तेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, ओवरटेक कर। जल्दी जल्दी। हाँ भाई हाँ, कोई अपने वाली है क्या बस देख? हाँ हाँ MH04JK9487। मिल गए बापूजी, मिल गए। रुको रुको रुको, ए लग जा रही है। वो ड्राइवर का नाम क्या था? नाम क्या था? नाम नाम अबे मैं तू भगा ना यार। चलो चलो थोड़ा 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 थोड़ा। अरे रुको रुको, अरे ओ भैया रुको, ओ भाई साहब। अरे रुको 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 रुको। अरे जेठा जी आप, क्या हुआ? कुछ सामान रह गया क्या बस में? अरे सामान नहीं, मेरे बापू जी रह गए। जल्दी दरवाजा खोलो। क्या चाचा जी अंदर रह गए? दरवाजा खोलो। साइड में ले। अरे जरा लाइट चालू करना भाई। हे चाचा जी, जेठालाल। बापू जी उठिए। आ गया गोकुल धाम। अरे गोकुल धाम तो कब का आ चुका था, और हम सब उतर भी गए थे, लेकिन आप सोते ही रह गए, तो बस आपको लेके आगे निकल गई। हाँ इसलिए मैं पोपटलाल और भीड़े हम तीनों आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे। अभी हम कहाँ हैं? पता नहीं, कहीं तो भी रास्ते में है बापू जी। अरे तुम्हें से किसी को भी पता नहीं चला कि मैं बस में रह गया हूँ? सॉरी बापू जी, वो क्या सब सोए हुए थे, थके हुए थे,
तो हम सबको लगा कि आप भी एकदम थक गए होंगे, तो सबसे पहले उतर के घर जाके सो गए होंगे। सॉरी बापू जी, किसी को ध्यान नहीं रहा है ना। सॉरी चाचा जी, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। चलिए अब चले। हाँ चले चले बापू जी, आइए आइए। मुझे पता था, पक्का पता था, गोकुलधाम निवासियों का कोई भी प्रवास बिना किसी गड़बड़ के संपन्न हो जाए संभव नहीं। सब कुछ कितना बढ़िया हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हमने मकर संक्रांति मनाई, इतनी बढ़िया यात्रा रही हमारी, लेकिन अंत तक गड़बड़ हो गई ना। चाचा जी बस में रह गए, बहुत मुश्किलों से मिल गए, लेकिन गड़बड़ अभी खत्म नहीं हुई है। चार लोगों को लौटना है सोसाइटी में, स्कूटर है एक, सवारी तीन बैठ सकती है, और स्कूटर पे चार सवारियों का बैठना ट्रैफिक के नियमों के और भीड़ के उसूलों के खिलाफ है। तो अब क्या होगा, ये चारों किस तरह से लौटेंगे? चार लोग सोसाइटी के बाहर हैं, हम बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अब क्या होने वाला है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, किस तरह से ये वापस आएंगे। और हाँ मित्रों, एक बात और, वो जो पोपटला ने लग्नोत्सव पतंग उड़ाई थी, तो वो पतंग लेके एक युवती भी सोसाइटी में आने वाली है, लग्नोत्सव ही होगी। तो अब क्या होता है आगे, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। बापू जी, जेठालाल जी, अब तो कुछ नहीं रहा ना बस में। नहीं नहीं, खाली बापू जी रह गए थे, वो तो मिल गए, अभी आप निकलो। और भाई हो, आपका फोन का क्या है भाई, कितने फोन किया मैंने, आपका फोन ही नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ ही आ रहा था। सॉरी, मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया है। तो जरा ध्यान दो भाई, ऐसा कोई अर्जेंट काम हो तो कैसे आपका कॉन्टेक्ट करे। अंदर प्लग बिगड़ गए ना, आगे जाके कर लेता हूँ। आप इसमें बैठे बाबू जी, आराम से शांति से बैठ जाइए। ए भाई, आराम से एकदम। चल। अरे अभी मैं कहाँ बैठू? आ जाओ पीछे, बहुत जगह है, बैठ जाओ। अरे दो उंगली जितनी जगह है भाई। अच्छा मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ, आ जाओ अभी, आ जाओ बैठ जाओ। अरे अभी तीन उंगली जितनी जगह है। एक मिनट, जगह भले ही हो लेकिन यहाँ पे सकरम पे चार आदमी नहीं बैठ सकते भाई। अरे भैया अभी सिर्फ गोकुलधाम तक ही तो जाना है भाई। वो जो भी हो जेठालाल, लेकिन ट्रैफिक के नियम होते और मैं नियमों का पालन करता हूँ। अरे अभी आधी रात को तू क्या ट्रैफिक के नियम लेके बैठा है? पर अभी रोड तो देख पूरा खाली है। नहीं नहीं, वो जो भी हो, रोड खाली हो या भरा हो, नियम मंजे नियम, मैं नियमों का पालन करने वाला हूँ। सखरम पे चार लोग नहीं जाएंगे। तो काम करो पोपटलाल, तुम रिक्शा या टैक्सी में आ जाओ ना, जो मिले उसमें आ जाओ। ये देखो। हाँ बराबर। अरे क्या बराबर है भाई, इतनी रात को मुझे टैक्सी रिक्शा कहाँ मिलेगी? अरे भाई थोड़ा वेट करो ना पोपटलाल, मिल जाएगी। एक काम करते हैं, हम लोग आगे जाते हैं, जैसे ही टैक्सी रिक्शा मिलेगी हम लोग भेज देंगे यहाँ पे। हाँ तुम लोग एक काम करो भाई, तुम तीनों सखाराम पे जाओ, मैं चल कर आता हूँ। भाई भिड़े चलना भाई, सिर्फ गोकुलधाम तक तो जाना है भाई, प्लीज। ठीक है चलते हैं फिर, चार लोग सखरम पर। चल चल बाबू जी बैठ, यहाँ बैठ बैठ। मान लेते हैं, मान लेते हैं, मुझे मालूम है ना क्या होता है। आराम बाबू जी, आइए आइए चाचा जी आइए बैठ। अरे लेकिन अभी मैं कहाँ बैठूं? ऐसे अरे नहीं नहीं, एक है बाबा, ये बात तो सखरम है भाई, तेरा त्रास होगी। देखिए तू एक काम कर, मेरी गोद में बैठ जा। आपकी गोद में बापू जी? अरे उसमें शर्मा था क्या है, बचपन में कितनी बार बैठा है तू? शर्माने की बात नहीं है बापू जी, लेकिन बचपन का मेरा वजन और अभी का वजन, वो आपका पैर उठा नहीं पाएगा बापू जी। एक काम करते बापू जी, आप मेरी गोद में बैठ जाइए, क्या आपका वजन मुझे इतना नहीं लगेगा। तो खाली बराबर बराबर ही बोल भाई, तू हिलने को तैयार ही नहीं है वहां से, सीट पकड़ी तो पकड़ी। पत्रकारों काम आऊंगा, क्या काम नोड़ रहा है तू भाई, काम कुछ नहीं आ रहा है। मैं जिनके साथ होता हूँ ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है भाई, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई? आइए आइए बेटी आराम से। अरे घोड़ा गाड़ी तो ये थी बापू जी। हाँ वो ये खाली पाँव संभाल ना चाचा जी। मैं पाँव पकड़ लेता हूँ। हाँ पकड़ लेना अच्छे से। आ गए बस बराबर हो गए, आप सेटल हो गए। हाँ। अरे हाँ जेठालाल,
वो सोसाइटी में फोन करके बोल दो कि चाचा जी मिल गए, वो सब टेंशन में होंगे। अरे हाँ हाँ, बाबू जी एक मिनट, फोन पेंट की जेब में, सॉरी। इतने शांति से बीत गए और यहाँ गोकुलधाम आते ही हंगामा हो गया। जेठालाल का फोन। अरे जल्दी देखो की। हाँ जेठालाल बोलो, मिले चाचा जी? हाँ माता साहब, बापू जी मिल गए और अभी उनको लेके हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी ही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी आओ, मैं तब तक सबको बता देता हूँ। मिल गए चाचा जी, मिल गए। चाचा जी मिल गए, आ रहे बोलो। चलो 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 चलो, ठीक है बाबू जी। चल चल भाई भीड़े, अभी फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी ले ले भाई, अभी और कोई गड़बड़ ना हो तो अच्छा है। अरे भाई तू यार चुप चुप बोल भाई, क्यों कोई गड़बड़ होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये बोल। सॉरी सॉरी भाई, भाई बोल रहा हूँ कि अभी और कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे शांति से बैठो ना भाई, बोलना ही है। अरे देवा, अरे क्या हुआ भीड़ा, स्कूटर क्यों रोक दिया? स्कूटर नहीं, सखाराम के कर रहा। अरे भाई यहाँ क्यों रोक दिया सखाराम को? अरे सामने देखो नाकाबंदी है। ओह तो तेरे पास लाइसेंस नहीं है? मेरे पास लाइसेंस है जेठाला, लेकिन हम लोग सखाराम पे चार लोग हैं, सिर्फ तीन ही अलाउड है भाई। मैंने बोला था कि नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, आता क्या? घुमा घुमा भाई, घुमा गाड़ी, घुमा ले घुमा ले भेड़े, घुमा ले। क्या घुमा ले, हवालदार ने सिटी मनी सुना नहीं तुमने? हाँ ठीक है कोई बात नहीं भाई, हम लोग समझाएंगे उनको, जो है वो बताएंगे भाई, मुंबई पुलिस वाले वो समझदार है, वो समझेंगे भाई। डर मत ले 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 ले, चल ले ले। ये देखो नमस्कार। क्या है, एक ही स्कूटर पे चार सवारी? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, वो क्या हुआ, थोड़ी सी मजबूरी थी इसलिए। कोई बहाना नहीं चलेगा, लाइसेंस जमा करना पड़ेगा, पावती फटेगी, दंड भरना पड़ेगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं हमेशा नियमों का पालन करता हूँ, मैं कभी नियम नहीं तोड़ता, मैं एक शिक्षक हूँ। वाह शिक्षक, शिक्षकों के नियम तोड़ते हो, तो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाओगे? देखिए मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। पत्रकार हो तो कानून तोड़ोगे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, देखिए क्या है कि हम भारत देश के अच्छे नागरिक है, हम लोग कभी कानून नहीं तोड़ते। दरअसल क्या हुआ, हम लोग कल सुबह 4 बजे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले एक बड़ी लग्जरी बस में घूमने गए थे, तो घूम के अभी आज रात को आए, सब थक गए थे तो सब बस में से उतर के अपने अपने घर चले गए। मैंने सोचा बापूजी भी थक के घर चले गए होंगे, मैं घर गया तो बापूजी घर पे नहीं, फिर किसी ने बताया कि नहीं बापूजी तो बस में ही सो रहे थे पीछे, और बस तो चली गई थी। फिर हम सब रात को बस को ढूंढने निकले, मुश्किल से वो बड़ी बस मिली, उसमें बापू जी मिले, तभी बापू जी को लेकर हम लोग घर जा रहे थे। हम बापू जी को लेने गए तो तीन ही लोग थे वो स्कूटर में, सखाराम में, सखाराम इनका स्कूटर का नाम है, तो तीन ही लोग थे। लेकिन अभी जा रहे थे, अभी बापू जी भी साथ में, तो चार हो गए। तो अभी क्या, हमने बहुत ढूंढा टैक्सी रिक्शा कुछ मिल जाए तो कानून नहीं तोड़ना पड़े ना, लेकिन अभी क्या वो टैक्सी रिक्शा कुछ मिला नहीं, इसलिए फिर मजबूरन हमको चार को ऐसे स्कूटर में जाना पड़ रहा है, सखाराम में जाना पड़ रहा है। अरे अभी ये सब इनको समझा के क्या मतलब है, तुम लोगों को ही पहले समझना चाहिए ना, मुझे लेने के लिए दो लोगों को आना चाहिए, तीन लोग क्यों है? बापू जी ये स्कूल सखाराम तो भीड़े का ही है, तो उसको तो कैसे मना कर सकते हैं, और मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे तो आना ही चाहिए ना आपको लेने के लिए। अरे तो ये क्यों है? वो बोल रहा था कि मैं पत्रकार हूँ तो कुछ काम आऊंगा। पत्रकार है तो क्या हुआ,
कोई पहचान काम में नहीं आएगी, समझे? देखो इंस्पेक्टर साहब, कभी कभी किसी की सच में भी मजबूरी होती है, हर कोई झूठ ही बोल रहा हो ऐसा नहीं होता। हाँ, हाँ। फिर भी हम लोगों ने कानून तोड़ा है तो हम लोग दंड भर देते हैं। जेठिया इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कानून तोड़ा है तो हम दंड तो भरेंगे। जेठिया लेकिन चाचा जी ये खुद कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है तो। अरे भाई वो तो मानवता के नाते कह रहे हैं, लेकिन हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते दंड भरना चाहिए। जेठिया दे ही रहा हूँ, लीजिए होल्डर साहब। थैंक यू थैंक यू। ठीक है अभी आप लोग जा सकते हैं। अरे आ गए आ गए। दादाजी आई एम सो सॉरी, मैं बहुत नींद में था और मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि आप बस में रह गए हैं। सॉरी चाचा जी, हम सबको लगा आप घर पे जाके सो गए हैं। अरे तुम लोग क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे भाई आधी रात को तो सब लोग नींद में ही होंगे ना। मैं भी इतनी नींद में था कि तुम सब लोग कब बस से नीचे उतर गए मुझे पता ही नहीं चला। इतना लंबा सफर करने के बाद मुझे ढूंढने के लिए इन लोगों को आधी रात को सड़कों पे घूमना पड़ा, आप सबको इतनी ठंडी में मेरा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? नहीं भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। सही बात है। अरे भाई अभी खड़े खड़े बातें करना बंद करो, सब लोग थक गए, ठंड भी बहुत है, अपने अपने घर जाके सो जाओ। चलो चलो चलो। एक मिनट भाई, एक बार फिर से वापस देख लीजिए, कोई रह तो नहीं गया ना। आए बाय बाय माजी। यारो सब आ गए, सिर्फ एक चीज नहीं आई। क्या? वो अपने पोपू की लग्नोत्सुक पतंग। हाँ भाई, कितनी आशा के साथ मैंने उस पतंग पर लिखा था लग्नोत्सुक वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, अपना एड्रेस लिखा था, फोन नंबर लिखा था। तो मैंने सोचा था कि वो पतंग जो है किसी लग्नोत्सुक कुंवारी कन्या के हाथ में आएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पोपट भौजी मैंने कहा ना, आज नहीं तो कल किसी ना किसी लड़के का हाथ आपकी पतंग आ ही जाएगी। और पोपट भाई खुदाई जी ने चाहा तो कल ही वो लड़की पतंग लेके गोकुलधाम आ जाएगी। रशन भाभी आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए भाई, पोपटलाल की लग्नोत्सुक पतंग किसी लग्नोत्सुक लड़की के साथ गोकुलधाम में वापस आ जाए, इसी आशा के साथ अभी फाइनली अपने अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। क्या भगवान, मैंने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा आइडिया निकाला, आपका काम आसान कर दिया। लग्नोत्सुक पतंग पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिखकर ऊपर आपके पास भेज दी कि भाई मेरी जीवन संगिनी जहाँ कहीं भी छिपी हो उसके हाथ में आपको पतंग पहुंचा दो, लेकिन फिर भी आपने मेरी कोई मदद नहीं की। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, करो करो कुछ करो प्लीज, तो ऐसा चमत्कार करो कि कल का सूरज एक नई उम्मीद की किरण के साथ मेरे जीवन में आए। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, क्या बात है यार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ गए थे? अरे दोस्त के पास गड्डी खड़ी थी ना, तो गड्डी लेके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी जरा सकाराम को चक्का चक कर रहा हूँ। क्या है, कल रात को चाचा जी को ढूंढने के चक्कर में बहुत घुमा ना बेचारा, इसे जरा साफ कर रहा हूँ। नहीं नहीं बेड़ा, साफ मत कर, साफ मत कर भाई। क्यों? अरे खाली साफ करने से कुछ नहीं होगा भाई, इसको तो क्या है बढ़िया सा सर्विसिंग सेंटर में लेके जा और बढ़िया मालिश मालिश करवा के लेके आ। अरे कल बहुत मेहनत की है इसने, पप्पू जी को धुनने में कितना दौड़ा है, चार चार जन का वजन उठाया है इसने।
इसलिए सर्विस सेंटर में ले जा, बढ़िया से सर्विसिंग करा, जो भी बिल होगा मुझे देना, मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं जेठालाल, थैंक यू वेरी मच, लेकिन गोकुल नाम अपना एक परिवार है और उस हिसाब से मेरा सखाराम भी इस परिवार का एक सदस्य ही है, तो सखाराम ने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज समझ कर किया है। मेरे की बात बिल्कुल सही है भाई, गोकुलधाम परिवार सखाराम के बिना अधूरा है, इसलिए सखाराम का भी फर्ज तो बनता ही है। गुड मॉर्निंग भाइयों, मैंने सुना है कि आप लोगों ने मकर संक्रांति में बहुत मजा किया। तुझे किसने बताया? अय्यर भाई ने, सभी ने सभी काम पे जा रहे थे तो कुछ बताया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मजा तो किया लेकिन तेरे बगैर इतना मजा नहीं आया भाई, तुझे बहुत मिस किया। हाँ अब्दुल, तू होता तो बहुत मजा आता और तुझे भी बहुत मजा आता। मैंने बताया था ना कि मुझे दादी के पास जाना था, इसीलिए तो मैं नहीं आ सकता। कोई बात नहीं अब्दुल, आज हमको सोडा शॉप पे मिलेंगे ना, तो वहाँ के ढेर सारे किस्से बताएंगे तुम्हें। हाँ हाँ पक्का पक्का। चलो भाई जेठालाल चले, दो दिन की छुट्टी के बाद आज ऑफिस जा रहे हैं भाई, यही खड़े रहे तो पूरा दिन बीत जाएगा गप्पों में। ओ मेहता साहब आधा घंटा रुक जाओ, मैं आप दोनों को गड्डी में छोड़ दूंगा। नहीं नहीं छोड़ी, रुक नहीं पाऊंगा भाई, जरा सा भी लेट हो गया तो हाफ डे लग जाएगा और आधे दिन की तनख्वाह कट जाएगी, इसलिए जाने दो भाई, चलता हूँ। चले जेठा। तो तुसी रुक जाओ जेठा ब्रा, और तुम्हारा तो कोई पगार कटने वाला है नहीं। हाँ नहीं नहीं छोटे, मुझे भी दुकान जल्दी जाना पड़ेगा, दो दिन बाद आज दुकान खुल रही है भाई, तो जाना पड़ेगा। चलो 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 भाई, मुझे भी सुविचार लिखना है। चलो हम भी चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। लेकिन सोड़ी क्या सुविचार लिखो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुझाओ ना यार। आज का सुविचार उम्मीद पर होना चाहिए। उम्मीद पे क्यों? क्योंकि पतंग महोत्सव में पप्पू ने एक लग्नोत्सव पतंग उड़ाई थी और मैंने पूरी उम्मीद है वो लग्नोत्सव पतंग लेकर कोई ना कोई लड़की हमारे गोकुलधाम में जरूर आएगी। लेकिन भिड़े भाई, ये लग्नोत्सुक, हाँ वही वही, ये पतंग होती क्या है? अब्दुल मैं बताता हूँ। अरे आदि भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदि भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ तो आदि भाई बताइए ना कि ये लग्नोत्सुक रे, ये पतंग है क्या? लग्नोत्सुक यानी जो लग्न के लिए उत्सुक हो। हुआ यू कि पोपटलाल ने वहाँ पतंग महोत्सव में अपनी शादी के लिए एक पतंग के ऊपर अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिखकर हवा में उड़ा दी थी। एड्रेस, फोन नंबर सब लिख दिए। उड़ा भाई ये पतंग, उड़ाने तो बहुत जरूरी है। उड़ा भाई, मैं ये लग्नोत्सुक पतंग उड़ाऊंगा और ये पतंग पर जिस किसी सुकन्या की नजर पड़ेगी वो मुझे फोन करेगी और फिर मेरे जीवन की डोर जो है वो। और पप्पू को पूरी उम्मीद थी वो पतंग लेकर कोई ना कोई लड़की उसको ढूंढते हुए जरूर आएगी। अफसोस पर ऐसा हुआ नहीं। ओहो, और मुझे पूरी उम्मीद है यारो वो पतंग को लेकर अपने पप्पू को ढूंढते हुए कोई ना कोई जरूर आएगा ही आएगा। ए, आएगा नहीं, आएगी आएगी। आएगी ही आएगी। पोपट भाई को उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद रखेंगे तो ही तो सच होगी। सही बात है। ले पप्पू की गाल कर रहे और पप्पू आ गया। ओ पप्पू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पप्पू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे उत्ते कितने जा रहे हैं? ओ इत्ते आ? ओए पप्पू, अभी हम तेरी बात कर रहे थे, 100 साल का होने वाला है तू। हाँ। ऐसे तो 100 साल का होके भी क्या करूंगा। पटेल ऐसे क्यों बोल रहे हो, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? अरे मूड खराब नहीं होगा तो क्या होगा, तो कल रात को इतनी देर से सोए थे, थका हुआ था, फिर भी सुबह उठ के दूध लेने जाना पड़ा, अभी तक नहाया भी नहीं, अभी घर जाकर खुद ही चाय बनाऊंगा, नाश्ता बनाऊंगा। मुझे आप लोगों जैसी सहूलियत थोड़ी है कि सुबह उठते ही चाय नाश्ता तैयार मिलता है। पप्पू और दिल छोटा ना कर, आत्मनिर्भर होना तो बहुत बड़ी गल है, क्यों डॉक्टर आती? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई मैं आत्मनिर्भर नहीं, पत्नी निर्भर होना चाहता हूँ। वो है क्यों होता है यार, आप लोगों को नहीं पता? तो पत्नी निर्भर वो आदमी होता है जो अपने जीवन की हर चीज अपनी पत्नी को समर्पित कर देता है, अपने घर की और अपने जीवन की चाबी उसके हाथों में रख कर संपूर्ण तरीके से उस पर निर्भर हो जाता है। मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ, पत्नी निर्भर। यार पहले तो मुझे नहीं पता था, पर जैसे तूने बताया उस हिसाब से तो मैं भी पत्नी निर्भर हूँ। तो मैंने तो अपनी जिंदगी की खुशियाँ और घर की चाबियाँ दोनों रोशन डालिंग के हाथ में रख दी है।
वैसे अगर उस तरह से देखा जाए तो मैं भी पत्नी निर्भर हूँ भाई। कि मैं जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय माधवी से पूछ कर ही लेता। इस तरह से तो मैं भी पूरी तरह कोमल पर ही डिपेंड हूँ। हाँ भाई, तुम सब पत्नी निर्भर ही हो। पोपटलाल, हम उम्मीद करते हैं कि तुम भी जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर से पत्नी निर्भर बन जाओ। हाँ भाई, उम्मीद तो मैंने भी नहीं छोड़ी, लेकिन लड़की मिलती कहाँ है? अभी ये लग्नोत्सुक पतंग को ही देख लो, उसे लेकर भी कोई नहीं आया। ओ पप्पू, अभी हम लोग वही बात कर रहे थे। ओ, मैंने तो पूरी उम्मीद है कि वो लग्नोत्सुक पतंग लेकर कोई ना कोई लड़की तेरे से मिलने जरूर आएगी। सही बात है। हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया दोस्तों, देखते हैं। चलो चलता हूँ, गुड डे। गुड डे, टेक केयर। कितनी कहावतें हैं विभाग के लिए। शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो पछताए, या फिर उस कश्ती की तरह जिसमें जो सवार हो वो तो डूबे ही, जो किनारे पे खड़ा है वो भी डूब जाए, या फिर उस शिखर की तरह उस पे चढ़ने वाला सोच रहा है कि मैंने एहसास क्यों किया, और जो नीचे खड़ा है वो कह रहा है कि मैं एहसास कब करूंगा। भाई शादी की व्यथा हम विवाहित लोग समझते हैं, लेकिन कुंवारों की व्यथा अलग होती है कि उनकी शादी कब होगी। पोपटलाल की व्यथा हम लोग समझ सकते हैं। इस वक्त बड़े दुखी हैं, उनका मूड ऑफ है, क्योंकि उनकी जो लग्नोत्सुक पतंग थी उस पतंग को लेकर कोई युवती आई नहीं। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बता दूं, ये जो पोपटलाल की लग्नोत्सुक पतंग है उसे लेके गोकुलधाम में एक युवती आने वाली है, और साथ में लेके आएगी खूब सारी हंसी हंगामे उठा के। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.